नमस्ते प्यारे साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे बाबू। कंप्लीट मैथ ए टू जेड मतलब जीरो से चालू होगा और हाई लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा। जैसे ये चैप्टर है बाबू अनुपात और समानुपात का, आराम से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। जहां भी आपको न समझ में आएगा आप हमें कमेंट करके ऑफलाइन बताइएगा कि गुरुजी नहीं समझ में आया। देखिए ये सवाल है बाबू, ये पहला सवाल है। जैसे देखिए लिखा गया होगा 2x बराबर 3y बराबर 4z लिखा है, समझ में आ गया? तो यहां से पूछा है कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, z का मान कितना होगा। कितना आसान सवाल दे दिया है। देखिए बाबू यदि हम चाहेंगे इसके नीचे एक रख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके भी नीचे एक, इसके भी नीचे एक रख देते हैं, ये उल्टा हो जाता है बाबू। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/4। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। आप कहेंगे किसका एलसीएम लेंगे, तो 2 का 3 का और 4 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम आप ऐसे लेते हैं और इसका एलसीएम मेरे भाई 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ पर हम 12 रख देंगे। आपको पता है कि 6 बार जाएगा, 4 बार जाएगा और 3 बार जाएगा, और रेशियो में पता है ये अनुपात संपात में इसका काम खत्म हो जाता है। फाइनल जो उत्तर है 6 संबंधे 4 संबंधे 3, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, समझ में आ गया। इसी तरह से हम दूसरा सवाल लेते हैं बाबू। चलिए देखिए सवाल दूसरा कह रहा है यदि 3x + 4y + 5z एक्स संबंधे वाई संबंधे जेड का मान बताइए। समझाते इसको भी। देखिए 3x = 4y = 5z और पता है सबके नीचे हम एक रख देंगे, सबके नीचे एक। अब उल्टा हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और 1/2 बाबू कितना हो जाएगा, 5। इसका भी एलसीएम 60 होगा। यहाँ 20 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 20, 15, 12 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला करेक्ट है। तीसरा सवाल लेते हैं हम लोग। हाँ ये जो तीसरा सवाल है बाबू ना, ये खुद के लिए है, आपको होमवर्क है। यानी कि एक्स का वाई का और जेड का वैल्यू निकाल के बाबू हमको x + y / z का लेना है। जैसे समझा देते हैं, यहीं पर देखें इसके नीचे हम एक रख देंगे, यहाँ भी एक रखेंगे, यहाँ भी हम एक रखेंगे। तो जानते हैं ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा बाबू 1/5 और ये हो जाएगा बाबू 1/10। सबका एलसीएम निकालेंगे, समझ में आ गया? और एलसीएम जैसे ही निकालते हैं मित्र तो 20 आएगा। कहेंगे गुरुजी 4 5 20, 5 5 20 और 10 2 20। मैंने बताया कि इसका काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर सीखेंगे बाबू ना, तो ये देखिए ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है। तो हमें चाहिए x + y बाबू, चाहिए क्या चाहिए, हमें चाहिए x + y और पूरे के बटे में हमको z चाहिए, समझ में आ गया? अब आपको पता है कि x का मान 5 है तो 5 रखेंगे, प्लस y का मान 4 है तो हम 4 रखेंगे और z का मान हमारे पास 2 है तो बटे में 2 रखेंगे। तो फाइनल उत्तर 9/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं बाबू। ये देखिए ये भी वही सवाल है, बस उसका बदला हुआ रूप है बाबू। कैसे, समझा देते हैं। हाँ सवाल में बोला है यदि x * 2/3 = y * 4/5 x / y का मान बताइए। तो यहाँ पर क्या करना है बाबू ना, कि नीचे एक नहीं करना है, बटे में एक नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ है तो हम इसका उल्टा कर देंगे। जैसे 2/3 है, उल्टा कितना हो जाएगा,
बटे में दो हो जाएगा, ये बताइए 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं बाबू की सब पर वही नियम, लघुतम कितना हुआ 4, तो 2 × 4 यहाँ 6 हो जाएगा। यहां देख लीजिए ये 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, फाइनल उत्तर 6 × कितना 5, ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला। पढ़ाई बहुत आसान है, इसी नियम पर अगला सवाल लेते हैं हम लोग, देखिए आपके सामने है। कह रहा है बाबू यक्ष गुणते 3/4 बराबर वाई गुणते 2/3 बराबर जेड गुणते 1/2। तो कह रहा है कि यक्ष संबंधे वाई संबंधे जेड का मान बताइए। बाबू इसको उल्टा कर लीजिएगा, उल्टा करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। इसको जब उल्टा करेंगे बाबू 3/2 हो जाएगा, इसको जब करेंगे बाबू इसको तो 2/1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम मेरे भाई कितना हुआ, कहेंगे गुरुजी 6 हो जाएगा, सही रहा। अब 3 × 6 और 4 × 8 यहाँ 8 आएगा, 2 × 3 = 6 तितली के 9 आएगा और 6 × 12 हो जाएगा, 8, 9, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सी वाला करेक्ट है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग, ये देखिए कह रहा है कि ए का 20% बराबर बी का कितना परसेंट 40%। समझाते हैं बाबू, देखिए ये देखिए परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। अब जानते हैं बाबू जब बराबर होता है तो नीचे नीचे वाला से कट सकता है, मतलब 100 से 100 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 से आपका 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 × 2 और 2 × 4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि साजन मेरा कहाँ है, उस पार है, ए का मान 2 होगा और बी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और बी का मान 1 हो जाएगा। मतलब इसमें ये जो ऑप्शन दे दिया गया है कोई गलत ऑप्शन दे दिया गया है, इसका फाइनल उत्तर आएगा 2 × 1 = 1, यही आंसर है। टाइपिंग करने में थोड़ा सा गलती हो गया होगा, ये सवाल देखिए ए का 25% बराबर बी का 40%। मैंने बताया बाबू देखिए ए का 25% मतलब 25/ कितना हुआ 100 हुआ, बराबर बी का 40% 40/ कितना हुआ 100 हो गया। आपको पता है 100 से 100 कट जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि ए का मान 40 है, ये भी पता है बी का मान कितना है 25 है, अभी कट जाएगा, पाना वाठे 40 पचाहा 25, मतलब 8 × कितना बाबू 5, 8 × कितना 5 हो जाएगा। देख लीजिएगा यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये भी हम लोग का गलत है, उत्तर आना चाहिए 8/5 लेकिन लिखा गया 5/ कितना 8। ठीक है, इसका उत्तर यही आएगा बाबू। अगला सवाल लेते हैं, देखिए कह रहा है यदि एक्स 2 बराबर वाई 3 बराबर जेड 4 हो तो यक्स संबंधे वाई संबंधे जेड का मान बताइए। तो अब आप समझिएगा बाबू, यक्स का गुणांक मतलब एक्स के पास तो कुछ है नहीं, तो जो मान रहता है ना वही उसका उत्तर हो जाता है। बताइए एक्स का मान कितना है 2, वाई का मान कितना होगा 3, जेड का मान कितना होगा 4, जो बटा में होता है ना वही उत्तर हो जाता है। फाइनल उत्तर मित्र कितना 2/3/4, कितना आसान है। अगला सवाल लेते हैं, ये भी देखिए बाबू कितना बेहतरीन है, यदि ए 10 बराबर बी 15 बराबर सी 18 तो इतने का मान बताइए। तो आपको पता है कि ए का मान 10 होगा, बी का मान 15 होगा और सी का मान कितना होगा 18 होगा। तो हमें क्या करना है बाबू कि ए में सी को जोड़ देना है, मतलब 10 में हमको 15 को जोड़ देना है, और किससे भाग करना, सॉरी ए में सी को जोड़ना है तो 10 में हमको 18 को जोड़ना है और बी से भाग करना है तो बी का मान 15 है। तो जैसे ही 15 से भाग करेंगे 10 और 18 28, उत्तर आ जाएगा 28/15, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट है। अगला सवाल लेते हैं, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है बाबू। कह रहा है कि यदि a/b बराबर b/a/2
बराबर बी बटे में तीन और सी बटे में चार होते, इतने का मान बताइए। समझिएगा, यदि हम यहां से आपको बात करें कि ए का मान कितना होगा तो कहेंगे गुरुजी दो होगा, कितना होगा दो। उसी तरह से बी का मान कितना होगा आप कहेंगे तीन होगा, सी का मान कितना होगा आप कहेंगे चार होगा। यही मान हम रख देते यहां पर, ए बाई बी का मतलब दो बटे में दो बटे। अगला देखिए, बी बाई सी का मतलब तीन बटे में बाबू चार, सी बाई ए का मतलब चार बटे में बाबू कितना दो। आपको पता है कि जो इसका एलसीएम होगा ये 12 हो जाएगा, तीन चौ के 12 गुणा होता है तो चार दुना के 8, चार तीन 12 तीतली के 9, दो छ के 12 छ चौ के 24, छ दो छ के 12 छ चौ के 24, मतलब बाबू ये वाला खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाता है, ऊपर आ जाएगा 8 संबंधे 9 संबंधे 24, यही आंसर है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग, देखिए इधर बाबू कह रहा है यदि a बटे में 4 बराबर b बटे में 5 बराबर c बटे में 6 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बताइए। यहां देखिए a का मान 4 होगा, b का मान 5 होगा और c का मान 6 होगा, तो यदि हम 4 का स्क्वायर कर दें, फिर 5 का स्क्वायर कर दें, फिर 6 का स्क्वायर कर दें तो ये हो गया 16, ये हो गया मित्र 25 और ये हो गया मित्र 36, तो जोड़ देंगे तो 6 5 11 6 17, मुझे लगता है कि 77 आ जाएगा। 12 नंबर सवाल लेते हैं बाबू, ये देखिए कह रहा कि x संबंधे y बराबर 3 संबंधे 1, कह रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। इसका मतलब जानते हैं बाबू, यक्स का मान 3 होगा और वाई का मान कितना होगा 1 होगा, तो लिख लेते हैं, समझना है तो लिखना पड़ेगा। एक्स का मान 3 और वाई का मान कितना बाबू 1, तो हमें देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है, करना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर संबंधे 3 का स्क्वायर प्लस बाबू 1 का स्क्वायर। जानते हैं इसका मान 8 आएगा और इसका मान जानते हैं कितना आएगा 10 आएगा, कैसे 10 आएगा और कैसे 8 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 1 जाएगा 8, ये कट जाएगा बाबू, ठीक है, और ये जैसे ही कटेगा तो इसका मान 4 और इसका मान कितना 5, यानी कि 4 संबंधे कितना आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लीजिएगा, यही उत्तर है, 4 संबंधे कितना 5। सवाल नंबर 13 लेते हैं, ये सवाल बनाइए, यक्स संबंधे वाई बराबर 2 संबंधे 1 हो तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। कुछ नहीं करना है बाबू, देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर का मान बाबू 5 हो जाएगा और नीचे का मान 3 हो जाएगा, समझ में आ गया, ऊपर का मान 5 और नीचे का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी तीसरा वाला सही है, यही उत्तर होगा, 5 संबंध कितना 3 होगा। 14 नंबर लेते हैं बाबू, देखिए कितना आसान सवाल है, कह रहा कि यक्स प्लस वाई संबंध यक्स माइनस वाई बराबर 4 बटे में 1 हो तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से पढ़ देते हैं बाबू, सवाल है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में फिर लिखा है यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी का मान चाहिए। जानते हैं क्या होता है बाबू, देखिए एक बार प्लस दिया हो और एक बार माइनस हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 4 एक कितना होगा 5, ऊपर घटा दीजिए 5 4 में से तो 1 जाएगा 3, तो मतलब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर अब डायरेक्ट देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटे में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आपको पता है कि इसका मान 25 होगा, इसका मान 9 होगा, जोड़ेंगे 34 होगा, इसका मान 25 होगा, इसका मान 9 है, घटाएंगे बाबू तो 16 आएगा और इसको जैसे ही घटा लेंगे उत्तर आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 17 संबंधे 18 हो जाएगा, क्योंकि 17 दुना के 34 होता है, 2 8 16 होता है, देख लीजिए कितना आसान है।
बस एक बार प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस करना है, कि ये प्लस है और एक बार क्या है, माइनस है। इस बात को गौर कर लीजिएगा बाबू। 15 नंबर आते हैं बाबू, 15 नंबर। देखिए यहां पर भी वही कहानी है बाबू कि एक्स की वैल्यू हमको 3 रखनी है और वाई की वैल्यू हमको क्या रखना है, 4 रखना है। तो देखिए यहाँ पर 7x है तो 7 और एक्स का मान 3 रखना, प्लस 3 गुणते वाई, वाई का मान क्या रखना है, 4। उसी तरह से नीचे देखिए 7 गुणते 3 और बस माइनस कर देना है 3 गुणते 4। अब आपको पता है कि 17 के 21 और 3 चौके 12, 21 और 12 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। अब देखिए 21 में 12 हम लोग घटाएंगे, 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 आएगा और ये 3 से कट जाएगा, 11 संबंधी 3 आ जाएगा। बस मान रखना होता है मित्र, ठीक है। अगला हम लोग सवाल लेते हैं, ये भी देखिए यहाँ पर x का मान 3 रखना है, y का मान 5 रखना है। आप रख के हमें जरूर बताइएगा कि गुरुजी इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, ठीक है। आराम से देख लीजिए सवाल को और हमें जरूर बताइएगा इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको खुद ही करना पड़ता है बाबू। इधर देखिए कह रहा है कि 4x² - 3y² बाबू, देखिए 4x² है माइनस 3y² है और ये अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटे में बाबू। यहां देखिए ये है 2x² प्लस 5y² और सबके बराबर 12/19 है बाबू। 12/19 कितना है, 19 है। अब हम करते क्या है कि तिरछा गुणा कर लेते हैं। देखिए इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 19 का गुणा 4 में होता है तो कहेंगे 76 होगा, 76x² हो जाएगा माइनस 19 * 57y² हो जाएगा बराबर। पता है बाबू 12 का गुणा 2 में होगा तो 12 * 2 = 24x² हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर 12 का गुणा 5 में होगा प्लस 12 * 5 = 60y² हो जाएगा, कहेंगे सर आ गया। अब हम करते क्या है कि एक्स वाले को एक तरफ, वाई वाले को एक तरफ। तो देखिए यहाँ एक्स वाला है, यहाँ भी एक्स वाला है, तो ये प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, कहेंगे 76x² - 24x² बराबर, ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 60y² + 57y² हो जाएगा बाबू। अब जानते हैं इसको जब घटाएंगे तो 52 हो जाएगा, 52x² बराबर, इसको जब हम प्लस करेंगे ना 117y² हो जाएगा, कहेंगे सर समझ में आ गया। देखिए 13 चौके 52, 13 * 117 हो गया बाबू। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि 4x² = 9y² साजन मेरा कहाँ है बाबू, उस पार है। x स्क्वायर का मान 9 है तो x का मान 3 हो जाएगा, उसी तरह से y स्क्वायर का मान 4 है तो y बराबर 2 हो जाएगा। फाइनल उत्तर मित्र 3 संबंधी 2 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग उसका वर्गमूल निकाल देते हैं, स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो उसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे बाबू तो फाइनल उत्तर 3 संबंधी 2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल है, ये सब जानते हैं बाबू, प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है कि आप जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। ये भी उसी तरह का सवाल है बाबू, कह रहा है कि 3a + 5b संबंध 3a - 5b बराबर 5 संबंध 1 हो, a संबंध b का मान बताइए। चलिए बताते हैं बाबू, देखिए लिखा है 3a + 5b बटे में 3a - 5b और सबके बराबर बाबू 5/5 कितना है, 1 है। 5/5 कितना है, 1 है। ध्यान से सुनिएगा, 1 का गुणा करेंगे दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही होगा 3a + 5b बाबू बराबर, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो ये
हो जाएगा 15a माइनस 25b हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखें, 15a में से 3a जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 12a। समझ में आ गया? अब ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, 25 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 30b आ जाएगा। क्या जाएगा? 30b आ जाएगा। अब इसको कटा देंगे 6 से, 6 दुना के 12 और 6 5 30, मतलब a का मान कितना आया, 5 आया, और b का मान 2 आया, मतलब फाइनल उत्तर बाबू 5 संबंध कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 संबंध कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगला लेते हैं बाबू। देखिए ये कह रहा है कि यदि a संबंधे b बराबर 3 संबंधे 4 है तथा b संबंधे c बराबर 5 संबंधे 6 है, तो पहला बोला है a संबंधे b संबंधे c बताइए और दूसरा बोला है a संबंधे c बताइए। कितना आसान है सवाल। अब देखिए जानते हैं बाबू, सबसे पहले अक्षर को देखते हैं, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ b है और यहाँ c है, मतलब a है b है, b है c है, कौन दो बार है, b। जो वैल्यू दो बार होती है उसे हमेशा बीच में रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ a रखेंगे, यहाँ b रखेंगे और यहाँ c, तो देखिए a और c के बीच में कौन है, b, इसी की बात कर रहे थे। बताइए a का मान कितना है मित्र, b का मान कितना है, 4, तो यहाँ 4 रखेंगे। b का मान कितना है बाबू, 5, तो यहाँ 5 रखेंगे। c का मान कितना है बाबू, 6, तो यहाँ 6 रखेंगे। अब आगे समझने के लिए बाबू ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, मतलब इनको अलग अलग कर लेते हैं, बॉक्स बन गया बाबू। अब आप बताइए 5 है तो इससे आगे जगह खाली है, तो जो 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 4 है तो इधर खाली है बाबू, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 3 5 15, गुणा करिए 4 5 20 और गुणा करिए 4 6 24 हो जाएगा। क्या कोई ऐसा वैल्यू ढूंढिए जो सबको कटा दे, 3 लेंगे तो ये कटेगा लेकिन 20 नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 2 लेंगे बाबू तो ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो फाइनल उत्तर पहले का उत्तर आ जाएगा 15 संबंधे 20 संबंधे 24 आ जाएगा। दूसरा बोला है ए संबंधे सी बताइए, ए की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू यहाँ 24 है, इसको हम कटाएंगे तो आ जाएगा 5 संबंधे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यही उत्तर है बाबू। इस तरह से हम लोग ए संबंधे बी संबंधे सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सही रहा? अगला सवाल देखते हैं। देखिए ए संबंधे बी बराबर 1 संबंधे 2, बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 4, तो देखिए हम बता दे रहे हैं ए है, बी है और सी है। समझ में आ गया? यहाँ पर ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान कितना है, 2 है, बी का मान कितना है बाबू, 3 है, और सी का मान कितना है, 4, तो यहाँ 4 रख देंगे बाबू। ऐसे बाबू समझने के लिए देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। अब इसका मान बाबू 3 हो जाएगा, इसका मान बाबू 2 3 6 हो जाएगा, इसका मान बाबू 8 हो जाएगा। पहला जो उत्तर आएगा 3 संबंधे 6 संबंधे 8 आ जाएगा। दूसरा बोला है ए संबंधे सी बताइए, ए का मान 3 है और सी का मान 8 है, दूसरा उत्तर आ जाएगा 3 संबंधे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बस। चलिए सवाल नंबर 21 पर हम लोग बात करते हैं बाबू। 21 नंबर देखें, कह रहा है कि यदि ए संबंधे बी बराबर 3 3/4 संबंधे 4/5, उसी तरह से बी संबंधे सी बराबर 2/3 संबंधे 1/2 हो, तो पहला बाबू यही कह रहा है कि ए संबंधे बी संबंधे सी बताइए, ए संबंधे सी बताइए, तो घबराइए मत। देखिए इसमें कौन अक्षर दो बार है, ए बी है, बी सी है, तो कौन दो बार है, बी है, तो जो दो बार होता है वो बीच में रखिए। देखिए यहाँ पर आप ए रख दीजिए, यहाँ पर बी रख दीजिए और यहाँ पर सी। देखिए तिरछा गुणा होता है, 5 3 15, मतलब ए का मान 15 हो गया, इसका गुणा इसमें होता है 4 4 16, बी का मान 16 हो गया। गुणा करिए 2 2 के 4, बी का मान 4 हो गया, 3 1 3, मतलब सी का मान 3 हो गया बाबू। पीछे वाला जैसे सवाल पढ़ रहे थे एकदम हू बहू बन गया बाबू, ये 4 है तो इधर कितना हो जाएगा 4, ये 16 है तो इधर कितना हो जाएगा 16,
गुणा करिए, इसका मान 60 आ जाएगा। गुणा करिए, इसका मान 64 आ जाएगा, इसका मान 48 हो जाएगा, और ये 4 से सब कटेगा, ये 15 आएगा, ये 16 आएगा बाबू। 16 चौके 64, 12 चौके 48। तो पहला उत्तर तो मिल गया, 15 संबंधे 16 संबंधे कितना 12। और दूसरा बोला है ए संबंधे सी, मतलब 15 संबंधे 12 करना है, इसको कटा देंगे 5 3 से, ये 5 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा, 5 संबंधे कितना हो गया 4 हो गया बाबू। ऐसे तिरछा गुणा करके आराम से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 नंबर लेते हैं बाबू, इसी तरह का एक और सवाल है, देखें वही कहानी है मित्र, ए है बी है और कौन है सी है। तिरछा गुणा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, इसमें बाबू 4 दुना के 8, 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, कोई बात नहीं, 3 एकम कितना 3 बाबू, बॉक्स बना लीजिए। अब आपको पता है कि 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 8 है तो यहाँ 8 आ जाएगा, बाकी सब आपको खुद लगाना है। चलिए ये सवाल देखते हैं बाबू। अब देखिए, अभी तक हम लोग ए संबंधे बी संबंधे सी पढ़ रहे थे, तो यहाँ अब निकालना है ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी, कहीं तक निकालना हो बाबू, घबराइए बिल्कुल मत, बस लगे रहिए। देखिए ए है बी है सी है और डी है, ध्यान से समझिएगा, ए का मान 1 तो बी का मान 2, यहाँ 1 और यहाँ पर, बी का मान यहाँ पर देखिए 3, तो सी का मान देखिए बाबू कितना 4, यहाँ देखिए सी का मान कितना 5 और डी का मान कितना बाबू 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए, कुछ नहीं बाबू, बॉक्स बना लीजिए ऐसे ऐसे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी क्या होगा 2, ये 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, ये 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, ये 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा। अब गुणा कर लीजिए, 5 1 5 3 15 1 15 को यहाँ 15 रखेंगे, 5 3 15 दुना के 30 रखेंगे, 5 चौके 20, 20 दुना के 40 रखेंगे। अब आराम से सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा बाबू, बिना सॉल्व किए कुछ होने वाला नहीं है बाबू, ठीक है। सवाल नंबर 24 पर चलते हैं, ये भी ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का मान पूछा है, तो हम एक बार फिर से हिंट दे देते हैं बाबू कि ए है बी है सी है और डी है। ए का मान कितना मित्र 2, बी का मान कितना 3, फिर बी का मान कितना 4, सी का मान 5, फिर सी का मान 1 और डी का मान कितना 2। जब हम बॉक्स बनाएंगे तो पूरी बातें क्लियर हो जाएगी, पूरी बातें। इधर देखिए 3 है यहाँ 3 3 हो जाएगा, 5 है 5 हो जाएगा, यहाँ 4 है 4 हो जाएगा, 1 और 1, इसी को सॉल्व कर देना, उत्तर आ जाएगा बाबू, सही रहा। ये देखिए सवाल नंबर 25वां बाबू, ये भी वही कहानी है बाबू, कह रहा है कि ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी बताइए, ए बी सी डी बाबू, गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 8, गुणा करिए यहाँ हो जाएगा 3, गुणा करिए यहाँ पर हो जाएगा 6, इसको गुणा करिए यहाँ हो जाएगा 4, समझ में आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर 1/3 और 1/2 है, तो समझने के लिए हम यहाँ ला देते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो गया और यहाँ पर आपका 3 हो गया। अब इसको हम बॉक्स की तरफ सजा लेते हैं बाबू, देखिए यहाँ 3 है तो ये हर जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 4 है तो ये 4 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, सब गुणा करके आराम से उत्तर बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का पहला वीडियो जिसमें 25 सवाल हुआ, दूसरा वीडियो भी आपके इस दूसरा वीडियो भी अपलोड करेंगे, उसमें भी 25 सवाल रहेंगे, मतलब 25 25 सवाल रहेंगे, और टोटल लगभग 6 से 7 वीडियो बनेंगे बाबू, हर चैप्टर से 150 से 125 या 200 के आसपास सवाल सॉल्व करेंगे, तब जाके हम लोग परफेक्ट होंगे, क्योंकि एक सवाल बनाने से कुछ नहीं होता है जब तक हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।